Next up, I would like to call before. So we have Yelgar music group. ये लोग they perform गांव-गांव में जाकर वो लोग group perform करता है और मराठी में भी वो लोग perform करते हैं. They write protest music. So before I call them on stage, I would like to call Ajay, Kishore, Shah on stage. He'll read his poems. So पांच. अच्छा कविता का शीर्षक हम सब नाके पे खड़े. कुछ लोग रोज नाके पे खड़े होते हैं इस उम्मीद में कि कोई मालदार सेठ आएगा उनकी ऊंची बोली बोलकर उन्हें खरीद लेगा. कुछ लोग रोज नाके पे खड़े होते हैं इस उम्मीद में कि कोई मालदार सेठ आएगा उनकी ऊंची बोल बोलकर उन्हें खरीद लेगा. वे चुपचाप उनके पीछे चल लेते हैं क्योंकि जो खरीदता है वो उनकी सोच पर भी ताला लगाया जाता है वे दिन भर उनका हुक्म बजाते हैं. ये दिन भर किसी रोबोट की तरह उनका हुक्म बजाते हैं क्योंकि जो कीमत देता है वही मालिक होता है और करना वही होता है जो मालिक चाहता है. शाम को जब वो दिन भर की मेहनत की कीमत लेकर एक खींच के साथ जब वो घर लौटते हैं तो सोचते हैं कल शायद कोई अच्छा सेट मिले पर यह अच्छा सेट कभी नहीं मिलता. अपने घर की गली में घुसने से पहले वो सामने की दुकान से खरीदते हैं थोड़ा चावल, कुछ चावल और कुछ आलू. बस यही उनके जीने का सामान है. इन्हीं से उनकी हड्डियों की गठरी चार्ज हो जाती है. खाते खाते ही उन्हें झपकी आने लगती है और खटिए पर लेटते ही उनकी थकान खटिए की रस्सी में फैल जाती है. अब बिस्तर पर पड़ते ही उनकी थकान खटिए की रस्सी में फैल जाती है. सुबह के धुंधलके में ही उठते हैं और उंगली और राख से अपना दांत मलते हैं. और बैकुंठों की चाय की दुकान से एक कुल्लर चाय पीते हैं और फिर किसी नाके पे खड़े होने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं. हम सब भी रोज़ सुबह होते ही अपनी बिकने की तैयारियां शुरू कर देते हैं. हम नाके पे खड़े ना भी हों फिर भी नाके पे खड़े होते हैं. अब दूसरा कविता का शीर्षक है सच कह सकता हूँ. मैं बहुत डरपोक हूँ. पर सभाओं में, जुलूसों में, दारू के ठेके पे, पुलिस के सामने हमेशा साहसी होने का दम रचा. हजार बार कल्पना की टॉर्चर रूम की मेरे नाखून उखाड़े जाने की. हैलोजन लाइट की वो चिलचिलाती रोशनी और मेरी आंखों के आगे हमेशा अंधेरा छा जाता और मेरी आंखों के आगे हमेशा अंधेरा हो जाता जब भी गुजरता किसी अंधेरी गली से मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता. क्यों ना मैं राष्ट्रवादी हुआ, गांधीवादी हुआ, शांति का पुजारी बना. क्यों मैं मजदूर के घर पैदा हुआ, मार्क्स की किताबें पढ़ी, नक्सलवादी का इतिहास जाना. मुझे हमेशा लगा मैं किसी भी पल माओवादी घोषित किया जाऊँगा और सालों साल सड़ता रहूँगा जेल के किसी तंग कोठरी में. नींद में चूहे के सपने से डरता हुआ किसी दिन मरा हुआ पाया जाऊँगा. बार बार बेची है मैंने अपनी सारी किताबें रद्दी के भाव. मैं हमेशा डरा हूँ कानून की मोटी मोटी धाराओं से, उनके अबूझ जुमले से, जज के गंभीर चेहरे से, डेमोक्रेसी के फरिश्तों से, भगवा में लिपटी गीता से, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों से, उनके हाथों में सभ्यमान अस्त्रों से. मैंने कभी नहीं कहा मैं नास्तिक हूँ. कभी नहीं कहा मैं रेशनलिस्ट हूँ. क्या पता कहीं कोई मुझे गोली ना मार दे. मैं हमेशा खड़ा हुआ जनगणमन के सम्मान में. मैंने कभी नहीं पूछा कि इस जनगणमन का अधिनायक कौन है. हम किसकी जयकार करते हैं. क्या पता कहीं कोई मुझे पाकिस्तानी ना कह दे, मेरा फतवा ना निकाल दे. मैं जिंदा हमेशा दफन रहा डर के गहरे कब्रिस्तान में. मौन अब मर चुका हूँ, बेखौफ हूँ. सच कह सकता हूँ. दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रिय मित्र, हमेशा हर जगह नौजवान
जेएनयू के छात्र आंदोलन से लेकर मोर्चे पर कवि तक पंकज सिंह वो नहीं रहे। कोई वजह नहीं थी पंकज भाई इस तरह जाने की, खैर कोई रोक नहीं सकता। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि साथी पंकज हमारी पांच में थे, वो पांच बनी रहेगी और उनके ख्याल उनका जो जज्बा था हम उसे आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही हम यहाँ से उनकी पत्नी हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री प्रतिभा सिंह को भी अपनी सहानुभूति समवेदना भेजना चाहेंगे अगर अपराधी हों, और पंकज सिंह को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कहना चाहेंगे साथ ही पंकज हमारी याद में हमारी लड़ाई में आप हमेशा जिंदा रहो। एक बार अमित जी के लिए फिर से ताली बजा दी। अजय किशोर जी के लिए बहुत बढ़िया कविता इन्होंने पढ़ी, सब कह सकता हूँ कि मैंने बार बार अपनी किताबें बेची हैं। इसलिए कि आपको हमारा बात पसंद नहीं आएगा आप हमको गोली मार देंगे, बस ये तो हालत है। मतलब हम कुछ भी लिखेंगे, मतलब एज अ जर्नलिस्ट और एज अ राइटर ऑडेसिटी मेरे पास होना चाहिए। मैं आदमी हूँ जिसके पास मेरे पास दम होना चाहिए अपनी बात कहने का, लेकिन आप दम लेकर घूम रहे हैं मुझको गोली मारने के लिए क्योंकि आपको मेरा बात पसंद नहीं आया। इतनी सी बात तो कितना किस लेवल पे हमारा डेमोक्रेसी जो है और हमारा सेकुलर कंट्री जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है। वी नीड टू सी दिस, लाइक वी नीड टू चेक इट। सो नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू कॉल हमारा यलगार ग्रुप, यलगार म्यूजिक ग्रुप, सर आप प्लीज आ जाइए स्टेज पे। सो दे आर वेरी दे राइट प्रोटेस्ट म्यूजिक, दे गो टू फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड परफॉर्म प्रोटेस्ट म्यूजिक। So I think we should be really thankful that we are really thankful that they came all the way from. Thank you so much. Yes, sir. 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 Yes, sir.